तो हम हैं अभी कलमबोली पुलिस स्टेशन के इधर। कुछ नहीं, कुछ लफड़ा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग हैं दोस्त के घर, मेरे भाई के पास। अरे हेलो, अद्वैत पाटिल, ये मेरा डिप्लोमा क्या, हाँ डिप्लोमा जब परस्यू कर रहे थे तब मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो अभी अभी तो जिगर का टुकड़ा है रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सीन ऐसा है, मेरा एक इवेंट है नेरुल में ही है, तो मेरा ऐसा सीन है अपने जो भी दोस्त है जितना भी हम लोग मदद कर सके, जितना भी हम लोग उसको ग्रो कर सके उतना हम लोग सपोर्ट करें। तो अभी नेरुल में था, मैं बोला चलो इसको भी ले लेते हैं। ये जगत तो मैं दो तीन बार ऐसा बोला है कि गरीब आदमी को भी जरा लेके जाया करो। खुद अकेले अकेले पोस्ट इवेंट में, मर्सिडीज के इवेंट में जाते हैं, हमको लेके देते एक एक इवेंट में तो लेके चलो, तभी ये भाई माने हैं अपना। तो देखो जब टाइम मिलता है ना, अभी इसको ऐसा टाइम है, मेरे को ऐसा टाइम है, जब मैच होता है तब आया अलग लेट्स डू इट। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं इसका गाड़ी देखने को, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। बट फिलहाल पुलिस स्टेशन का नजारा देख के इसका कैसे बोले, कोविड के टाइम में इतना मस्त ऐसा ना एंटरटेनमेंट था ना, पुलिस आने का थिएटर वाला चलता था। इधर 1 बजे 11 बजे मस्त ऐसा टेम्पो आता था, टेम्पो में से आदमी लोग होते थे ठप ठप चलो अंदर, क्यों वो भागने की कोशिश करते थे ना। अरे हाँ, इसका ऐसे चेयर लगाने का, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, पुलिस स्टेशन का व्यू देखो एक नंबर। और Z++ सिक्योरिटी, कोई वांदा है नहीं, कोई चोरी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। कैमरा भी है, वो कैमरा पहले घूमता था लेकिन अभी बंद हो गया वो कैमरा घूमना, लेकिन वो घूमता है कैमरा पूरा 360 डिग्री में, सही है। चलो एनीवेज हम नीचे जाते हैं, चले लेट्स गो। कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ, वो जो गाड़ी है ना हमारा कॉलेज किसमें और हमारे थोड़ा कनेक्शन से रिलेटेड है वैसा गाड़ी, लेट्स गो। तो गाइस जैसे मैं गाड़ी का बात कर रहा था, आप ये वीडियो देख के आइए। भी वीडियो देखा रहेगा। जी हाँ, यह है मारुति सुजुकी का XL6। अभी मैं बताया था कि कनेक्शन है, ठीक है। अभी जब हमने डिप्लोमा पढ़ते थे, हम जो भी वॉच लेते थे वो ये भी लेते थे। ये जो वॉच लेते थे वो मैं भी लेता था, वैसे मैं जो गाड़ी लिया वो ये भी ले लिया। और इसका जो पीछे वाला दिख रहा है, इसका नाम है अल्टेरा 350, क्लासिक 350। और स्कूटी का क्या नाम रखा है, वो है फिनिक्स। फिनिक्स पीछे जो दिख रहा है क्या आपको, हाँ फैसिनो इज फिनिक्स। इसे चालू कर रहे ऐसा, इधर ऑटो मोड ऑन करने का मस्त एकदम, ऐसा बढ़ते बढ़ जाता है, फुप करके नहीं बढ़ता है, सही है। तो ये जो है दिस इज द सेकेंड जनरेशन, मेरा जो है फर्स्ट जनरेशन था, कुछ फर्क कुछ नहीं है एक्सेप्ट ये वाला लाइट। अभी इधर आप देखोगे, ठीक है, अभी मैं लाइट चालू कर रहा हूँ, ये लाइट ऑफ हो गया, ठीक है, ये लाइट ऑफ, ये बंद, लाइट चालू, ये चालू। और नीचे का जो ये देखो, ये लाइट दिख रहा है, डोर लाइट, ये भी है फिटेड, बट मेरे गाड़ी में तो ये था नहीं, ये एक्स्ट्रा फीचर फेसलिफ्ट में किया गया है। बट एनीवेज सब सेम ही लग रहा है, मतलब एस्थेटिक चेंजेस है, बट या घर वाला फीलिंग है देखो। और ये बस ग्रिल चेंज है, ग्रिल थोड़ा चेंज किया है, एंड मोर ओवर दैट दिस कलर इज कॉल्ड ग्रैंडियर ग्रे, और इसका नाम है नाइट शेड। मेरा जो है हटसन एंड नाइट शेड, मैं अपने स्टोरी पे बढ़ा ला था पहले ही, तो मेक श्योर यू चेक आउट माई इंस्टाग्राम। एंड मोर ओवर दैट अभी फिलहाल तो हम लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, पकड़ एक बार, यस बिल्डिंग में ही चलाओ ज्यादा, अपने इधर बहुत सारे ऐसे नमूने भरे जो कि है। अरे कोई बात नहीं, अभी कैसा वाले का, आई एम यूज टू दिस कार, ओके, तो मेरे को मालूम है क्या जजमेंट कैसे रहने वाला है। तो अभी भाई बहुत टाइट पार्किंग है, हाँ तो पीछे लेना पड़ेगा, कैसे कर लेते तुम लोग, मैं रोज निकालता है, इधर ही निकालते हैं धोने के लिए। अच्छा, जजमेंट है ये, और कैसा उधर देख,
और कैसे होने ये देखे, एक और XL6 है यहाँ पे, एक और XL6 ये बस हफ्ते भर मेरे गाड़ी के बाद, ये हफ्ते भर पुराना गाड़ी है बस। क्या बात कर रहा है? हाँ, ये एक हफ्ते बाद लिया था। और कैसा मॉलिंग अभी देखो, मेरे कैसा मॉलिंग, हम जो भी गाड़ी लेते हैं, जो भी चीज लेते हैं, सोच समझ के उसका फ्यूचर बेनिफिट ये सब देख के लेते हैं। अभी ये गाड़ी जो था, बताओ वो एक्सीडेंट वाला मत बताओ, मत बता। बट एवेंचुअली कैसा मॉलिंग यहाँ, गाड़ी इतना अच्छा बिल्ड किया था ना, वहां से निकलेगा क्या गाड़ी, रिक्शा है वहां पे, निकलेगा, निकल जाएगा। अभी सीन ऐसा है ना, ये गाड़ी जो है ना, इट हैज बीन रेटेड 4 out of 5 बाय ग्लोबल एंडकैप। और भाई ने ऐसा ठोका है गाड़ी कि क्या बताए, दूसरा गाड़ी का पूरा, इधर ले, लेफ्ट दबा, दबा ये जगह ले, राइट ले। अभी दूसरा गाड़ी का जो है वो पूरा बेंड हो गया, पर उधर देख, इधर मत देख, गाड़ी का पूरा स्क्रैच कुछ हुआ नहीं है। तो आप समझ रहे हो बिल्ड क्वालिटी कितना अच्छा है, गाड़ी पर एक स्क्रैच नहीं है, एक स्क्रैच नहीं है, सिर्फ नंबर प्लेट बेंड हुआ है बस, और कुछ नहीं है। एंड मोर ओवर दैट कैसा मालूम क्या, लाइक एक तो ये पेट्रोल है, सीएनजी नहीं है ना, नहीं पेट्रोल है, पूरा पेट्रोल, मैं इको पेट्रोल नहीं लिया, सीएनजी नहीं लिया, तो कोई वांदा ही नहीं, ऐसा मस्त रोटेट वोटेट कर रहे हैं थोड़ा ये साइड आराम से, ऊपर से मेरी मम्मी देख रही रहेगी, मम्मी बोलेगी क्या चल रहा है तुम लोग का इधर फालतूगिरी। हमारा तो ऐसा ही शोरूम में आने का, गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने का बोल देने का, मम्मा आ रहे, मामा आ रहे दुबई से, तो हम देखते हैं करके जाने का और फिर आने का। बट एनीवेज गाड़ी तो बहुत प्यारा मेंटेन किया है ऑब्वियसली, अरे 6 महीना नहीं हुआ है गाड़ी को, नहीं 6 महीने नहीं हुआ है, जुलाई में लिया था। क्या बात कर रहा है, हां जुलाई में लिया था, दीदी के बर्थडे के दिन। कितना किलोमीटर चला? 1680 तेरे को मालूम है मेरा गाड़ी नहीं चलता है। हाँ, ऐसा गाड़ी ज्यादा चलता नहीं है। मेरा इको 12 साल में 60,000 किलोमीटर चला था। क्या बात कर रहा, हाँ इधर आने के बाद वो 60,000 से 67 गया था। मेरा गाड़ी ही देख, मैं गाड़ी लिया था 21st of May, लिया था, मार्च लिया था, दो तीन साल कोविड में भी बड़ी गाड़ी था, आईडी ले खड़ा था, फिर भी अभी 50,000 या 60,000 किलोमीटर चला है 3 साल के अंदर। सोचता यूज है मेरा बहुत भाई, मेरा वो उसका यूज है ज्यादा, वो खड़ी है ना पीछे, उसका ज्यादा यूज है। कैसा मानी गया डिप्लोमा में जब हम भी थे ना, ये रोज गाड़ी लेने का, हम लोग गेड़ी मारने के, सोडा पीने, पूरा गेड़ी मारने के, हम लोग बैठेगा, मेरे को उतरना पड़ेगा। अरे कोई वंदा नहीं, मैं हैं तो बैठा है ना, बस बस अपने गाड़ी को चलेगा, स्विफ्ट है ना पीछे, इसलिए डर लगता है रे कभी कभी। मत ले, तेरा भाई गाड़ी चला रहा है, मेरा रोज का ही है ना ये, मेरे इसलिए मेरे को उधर वो साइड दबा पूरा और डाल दे, हां वही करना पड़ेगा। तेरा भाई बैठा इधर, तुमको टेंशन नहीं है, गाड़ी अपने कंट्रोल में है, डायरेक्ट जाता नहीं है कभी, लेने बैठता कर लेंगे, इसलिए तो हैरियर वगैरह नहीं ली ना, आराम से आराम से, कोई वांदा नहीं, अभी जो भी करेगा अच्छे से करेगा, अच्छे किसी पर कुछ नहीं करेगा, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स ब्रो। बट आपको सच में बोलो यार, नया गाड़ी में बैठने का जो मजा आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्मेल वाह, नया गाड़ी का स्मेल अपना बारिश, पहला बारिश का मिट्टी का पानी, पेट्रोल का स्मेल, उसमें मजा आता है, ले 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 जाएगा। अरे मैं ले लेता ना, टेंशन मत ले, मैं डालू गया, टेंशन मत ले, ये तो मैं करके रहेगा, नहीं जाएगा पीछे गाड़ी, वो मैं पैरेलल पार्किंग कर रहा हूँ। ये मेरे दो, ये अर्टिगा है ना, मेरे दोस्त के चाचा का अर्टिगा है, मतलब मेरा एकदम बचपन से चड्डी बड्डी बोलते हैं ना भाई साहब, उसके पास भी पहले अर्टिगा था। ओके, तो वो उसका अर्टिगा पहले यहाँ पे रहता था, तो एक दिन उसने ऐसे ही कि भाई चला निकालते बाहर, ऐसा निकालते वो जो दिख रहा है वो वहाँ पे फायर का ये पाइप, उसमें शीशा भिड़ा दिया। नाइस, और उसकी जो फटी उस दिन, मेरा रुक भाई टेंशन मत ले, अपने पास पॉलिश विलिश पड़ा है, देखते कुछ तो करते। मैं देख के समझ गया था कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस वो निकल गया था बाहर, ये जो पीछे का कवर रहता है मिरर का, वो निकल गया था और उस पर रेड मार्क्स आ गए थे, कलर लग गया था बस, बाकी कुछ नहीं हुआ था। मतलब रुक, तेरे गाड़ी में पॉलिश पड़ा है, मैं लेता है करता है बराबर से। ओके, निकाला, मस्त साफ किया, एक स्क्रैच था छोटा मोटा, मैं बोला ठीक है चल, इतना कुछ दिखेगा नहीं घर पे। और बाद में फिर उसने घर पे तब तक नहीं बताया जब तक उसने गाड़ी बेची नहीं, बस
बस बस बस अपना पूरा पार्किंग नहीं है अपना पीछे तक। हाँ क्या? हाँ थोड़ा आगे ले बस बस। तो गाइस गाड़ी सब हो गया पैरेलल पार्किंग में, एक सब कर दिया। मैं बोला था मैं पार्क करेगा, मतलब करेगा। मैं दो मिनट में करता है जितना तू किया ना। कैसा वाले के दर रोज का रोज का है मेरा ये। अभी हम लोग है हॉस्टल वाले, हॉस्टल वाले बन चुके हैं। बहुत महीने का गाड़ी चलाता ना, एक दो सेकंड लैग रहता है जजमेंट करने को। बट एनएस गाड़ी बहुत प्यारा है, ठीक है। चलो कुछ बड़ा दिखाते हैं, वहाँ से बंद कर कीजिए और वहाँ से हुड खोलिए। ड्यूएल जेट K15 ड्यूएल जेट। आइए आइए एक सेकंड बंद कर देता हूँ। एसी ऑफ, सब ऑफ, बंद बंद, नीचे लाइट्स ऑफ एंड इसका आवाज नहीं आता। नहीं आता, साइलेंट है, बहुत साइलेंट है, कुछ ज्यादा ही साइलेंट है। मारुति क्या कर रहे हैं यार, इसलिए मैं इसको रोक लिया। सब ठा 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 कर आवाज आता है। और डीजल है वो, डीजल है, पोलैंड का इंजन है भाई वो। देख वो भी डीजल है क्या? अर्टिगा डीजल है। क्या बात कर रहा है। सीट पीछे लेके उतर। क्यों? पर आराम से उतरेगा तू। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देख एकदम। अरे मेरे को एक्सपीरियंस है रे भाई। आजा ये ले, आ रुक मैं। सो गाइस ये है ग्रैंडियर ग्रे, ओके। अभी आप इसका इंजन देख लो, मेरा इंजन तो आप देख चुके कितना खाली खाली रहता है। ये देखो ये भी थोड़ा खाली खाली, ये थोड़ा खाली खाली है, लेकिन इसमें फ्यूल इंजेक्टर का फर्क है। क्या फर्क है? ड्यूएल जेट इंजन है ये। क्या बात? अच्छा ड्यूएल जेट K15 है ना? K15 ड्यूएल जेट पेट्रोल है ये। VS6 और ये है अपनी सीधी सादी नॉर्मल बैटरी। ये अपना ये देख इसकी EFI, ये किधर है? क्या बोलते हम लोग, ESP। इसका शायद से अंदर है, इसका अंदर रहता है। अंदर अरे यार क्या क्यों बोल रहा हूँ, MPFI इंजेक्शन सिस्टम इसके नीचे रहता है। ये इसके नीचे रहता है, उसके नीचे इसमें दिखता है, क्योंकि ये नया मॉडल में अपडेट दिया है उसने। वो अपडेट मतलब साइलेंट करने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर केसिंग वगैरह साफ करना। क्या ही मैं उधर पानी ही नहीं मारता। नहीं एक्चुअली बोलूं क्या आपको ना, मैं बता दूं पानी कभी मारना नहीं चाहिए इंजन में। क्यों? क्यों? क्योंकि अपने को एक्सपीरियंस नहीं है उतना, अपन कार धोने वाले नहीं है। ऊपर से कैसा मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ना पूरा नेकेड है, जिसमें पानी चला जाता है ना तो पूरा शॉर्ट सर्किट। सबसे मेन कंपोनेंट यहाँ पे, ये लगा लेना वहाँ पे। हमको आदे तेरे भाई। अरे क्यों, लेकिन गलती से मेरे सिर विर में डाल दिया तूने, छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे ना इसका जो ये बेल्ट का पूरा मैकेनिज्म है, देख वो ओपन है पूरा इसमें यहाँ से वहाँ तक। ये ना ये एसी का बेल्ट, ये एसी का है और अल्टरनेटर है। हाँ तो मेरा भी ऐसा ही, मेरा भी ऐसा ही है। मस्ती नहीं करते इसके साथ वो इको में कैसा था, इको में इधर कुछ नहीं। ये देखो दिस इज योर ट्रांसमिशन शाफ्ट, ये जो दिख रहे हो ये हमारा पूरा व्हील से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस ये पूरा गियर बॉक्स का है एंड दिस इज द इंजन। इधर से एज इट इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव, इसका पूरा जो पावर है ये पूरा कैरी करता है। इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, कैम फॉलोवर, इंजन वॉल, पिस्टन और क्या बाकी रहेगा मैं पूरा भूल गया। पिस्टन और अपना ये वाल्व, इंटेक मैनिफोल्ड, हां वही। फिर उसके बाद दिस इज द क्लच प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील, वो सब रहता है इसके अंदर। कौन सा डायफ्राम रहता है ना, वो क्या डायफ्राम नहीं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। हाँ, वो डायफ्राम भी रहता है ना जो पावर ट्रांसमिट करता है फ्लाई व्हील के साथ। वो क्लच प्लेट है, फ्लाई व्हील के साथ प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील मोमेंटम क्रिएट करता है, क्लच प्लेट ट्रांसमिशन करता है। डायफ्राम भी था उसके साथ, डायफ्राम नहीं है वो, डायफ्राम इज डिफरेंट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। दो साल हो गए वो पढ़ाई की है, अभी तेरी कुछ याद नहीं आ रहा है मेरे को, इसीलिए ये जो है इसको तो जानते ही है। हाँ इसकी भाई ये तो दिखाने मांगता है। दिस इज क्या ऊपर का कैप निकाल और कितना चला है वो। हाँ देखो कितना चला है, देखो ठीक है। ये BS6 है बाय द वे, ठीक है। इसमें आवाज है लेकिन ऐसा ये देखो कितना चला है, 2 लाख चला है। 2 लाख नहीं चला है, वो 23,000 चला है। अच्छा सॉरी भाई 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 ये रेट 10,000 ये लाख। अबे ये नहीं गिनते, नहीं गिनते, ये काले से गिनते। क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं तो पीछे से गिनता हर टाइम। ये 23,000 चला है कितने साल में, तीन नहीं ढाई साल ना, ढाई साल। और हम जिसमें गेड़ी मारते थे ना भाई मजा आ जाता था। लाइक 4 साल में 3,500 किलोमीटर क्या, बहुत पीछे लगा दिया, आगे लगाऊ। हाँ ले लेना, मैं एक्चुअली क्या मानेंगे इसके पैरेलल रखा है मैंने। नहीं नहीं वो पीछे वाले का पार्किंग बना, इधर कैसा है ये, इधर अपना पार्किंग सबसे बड़ा है। अच्छा ये इधर तक पार्किंग है मेरा, ये पूरा पार्किंग है। पट्टा वट्टा लगाया ना हमको, कोई पट्टे का गैरेज नहीं है, सब सिस्टम हमारा है। क्या क्या बिल्डर ने लगा के दिया। अच्छा तो ये देखो अभी चालू हो जाएगा। ये देखो अद्वित भाई क्या आई बोल सकता है क्या, आजा
ये जो फेसलिफ्ट है ना, दिस इज सो स्मूथ है बाय द वे। मेरे इसमें अभी तो कल जो क्रैंक हुआ ना, थोड़ा स्मूथ था। आगे आ जा, आगे आ जा, बस शॉर्ट। देख येलो लाइन के सीधा ऊपर है बस। तो अभी हमें पैसा मानी क्या क्या बाइक के साथ हमने डिप्लोमा लाइफ गीड़ी बनने का, जाने का, आने का। अभी इसको ही लेके हम लोग जा रहे हैं। याद है ना अपन ने ये किया था ट्रिप्सी प्रोजेक्ट के बाहे लाए थे, इस पे भी लाया था कंधे पे। तो हमारे क्या था डिप्लोमा एकदम लास्ट फेज में ना, हमको कैपस्टोन प्रोजेक्ट रहता है। ओके, कैपस्टोन प्रोजेक्ट में फाइनल प्रोजेक्ट में हमको मटेरियल सारा रहता है। एंड सिंस वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, हमको पूरा लोहे का सामान लाना पड़ता था। हम लोग ये गाड़ी पे हम लोग ने या तो फिर मैं पीछे बैठता है, गाड़ी चलाता है, डिपेंड्स अपॉन द टॉस वी डू। टॉस हेड आया तो मेरा टेल आया, तो इसका कैसा ऊपर याद है क्या? अरे हाँ, बड़ा वाला आए थे, तूने पीछे से पकड़ा था, मैंने आगे से ऐसा पकड़ के चला रहा था मैं। भाई क्या 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 कांड किया हमने, लाइक भाई के साथ कुछ नहीं किया बट मेमोरीज बहुत रिक्रिएट किया भाई। मजा आता था। एक बंदे को वीडियो कॉल करेगा, कर हमें, हम लोग एक ही दोस्त को वीडियो कॉल कर रहे क्या कैसा करके। तो एनीवेज अभी सब समेटेंगे गाड़ी वाड़ी, पूरा फोटो लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा निकलेंगे इवेंट की ओर। इवेंट का जो वीडियो मैं अलग सा बनाऊंगा, बट एनीवेज आगे का भी दृश्य देखा जाए। भाई बहुत थक गया आज, सुबह से भी निकला है। एक जिसका नेड बंद है, क्या नेड बंद है इसका। अरे गंदे कोई कौन है चौधरी करया, करो कॉल करो सबको। सो एनीवेज गाइस, अभी फिलहाल तो हम लोग गाड़ी वाड़ी का फोटो शूट करेंगे, फिर उसके बाद मेरे को बैटरी भी पूरा चार्ज करना है लैपटॉप का और इसका। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट फ्लाइट, और देखा जाए 3, 2, 1। 6 hours later। हाँ तो गाइस, शूटिंग सब हो गया है, इवेंट मस्त गया। तो अभी इट्स नाउ अराउंड, कितना एक सेकंड दिखाता हूँ, 7:44। अभी मैं अभी आदित्य के घर जा रहा हूँ, उसके बाद सीधा घर को रवाना। बहुत हेक्टिक दे था आज, ट्रायंफ वाले ने मेरे को गिफ्ट भी दिया है, वो है ये। बहुत ऐसे इवेंट्स में गिफ्ट मिलता रहता है, नॉर्मल थिंग है। बट अभी जाएगा, ये बाल मेरे झाड़ू बन गए, इसलिए मैं गाड़ी चलाने को मांग रहा था वैसे। ये देख हाथ ले जा रहा है मेरा भाई, मेरा देखो, मेरा हाथ देखो क्या हो गया पूरा, मेरे शूज का भाई का पूरा शो का उद्घाटन हो गया पूरा। ये कौन सा पूमा एयर है क्या? नहीं, पूमा रिबाउंड V6, रिबाउंड V6 मस्त। एनीवेज मैं आपको मिलता हूं कुछ ही घंटों में, जब ऊपर पकड़ूंगा तब, ठीक है।